Hello, good morning, welcome to my online class. However, life seems difficult, but there is always something in it that you can do and succeed in it. जीवन या जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन महसूस हो, लेकिन इसी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे आप निरंतर करके कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, बेशर्ते आप हार ना माने। ये प्रेरणादायी पंक्तियां थी महान वैज्ञानिक और भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग की। स्टीफन हॉकिंग जो कि दुनिया के महान भौतिक शास्त्रियों में से एक थे, उनका जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड में हुआ था। स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड के विषय में कई चमत्कारी और विलक्षणकारी जानकारियां हमें दी। उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बिग बैंग नामक विचारधारा का प्रतिपादन भी किया। उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार ब्रह्मांड बिग बैंग से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने ये भी हमें बताया कि कालांतर में या लंबे समय पश्चात हमारा ये ग्रह पृथ्वी भी ब्लैक होल में समाविष्ट हो जाएगा या ब्लैक होल में समा जाएगा। ये ब्लैक होल क्या था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले कई वीडियो में इसकी जानकारी दी, इसीलिए आप मेरे वीडियो को बड़े ध्यान से निरंतर सुनते रहिए। स्टीफन हॉकिंग की इस चमत्कारी और विलक्षणकारी प्रतिभा के दुनिया के कई वैज्ञानिक आश्चर्यचकित थे। हालांकि कुछ वैज्ञानिक उनके विचारों से सहमत नहीं थे, फिर भी वो उनके प्रतिभा के की दाद देते थे। स्टीफन हॉकिंग एक बहुत ही विलक्षण और विचित्र बीमारी जिसे वैज्ञानिक एमोट्रॉफिक लैटरल साइकोसिस कहते हैं, का शिकार हो गए थे। इस बीमारी ने उनके शरीर को अपंग कर दिया था। इस बीमारी के कारण बचपन से ही स्टीफन हॉकिंग अन्य बच्चों से अलग थे। वे साधारणतया खेल खेलते समय गेंद को उठाकर उसे सही दिशा में या सही जगह फेंक नहीं पाते थे। उनकी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी, इस कारण अध्यापकों और उनके अभिभावक ने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया। आखिरकार उनके पिता उन्हें डॉक्टरों के पास ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें सूचित किया कि स्टीफन हॉकिंग वास्तव में दुनिया की उस विलक्षणकारी बीमारी का शिकार है जिसका नाम एमोट्रॉफिक लैटरल साइक्लेरोसिस है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग हार मानने वाले व्यक्तियों में नहीं थे। 1962 में वो पीएचडी के लिए कैम्ब्रिज गए और यहीं पर उनकी मुलाकात जेन वाइल्ड नामक युवती से भी, जिनके साथ उनका प्रेम विवाह हुआ और तत्पश्चात उनके 3 पुत्र भी हुए। स्टीफन हॉकिंग लुकासियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट के हेड भी थे। ये वही डिपार्टमेंट था जो 1663 में अल्फ्रेड न्यूटन ने भी इसमें कार्यभार संभाला था। स्टीफन हॉकिंग अब दुनिया के विख्यात भौतिक शास्त्रियों में से एक थे।
वो कई सेमिनारों, मीटिंगों, कॉन्फ्रेंसों में जाते और वहां पर ब्रह्मांड और धरती के राज बताते। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो जिसकी प्रतियां दुनिया में कई लाखों प्रतियां बिकी। उनकी अन्य किताबें हैं ब्लैक होल्स, जिसमें हम को पढ़कर हम ब्लैक होल के बारे में कई ऐसी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं जो आज तक हम लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी। और बेबी यूनिवर्स और दूसरी पुस्तकें उन्होंने लिखी। 1974 तक हॉकिंग अपने आप स्वयं भोजन कर सकते थे और बिस्तर में जाकर लेट सकते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका अपने शरीर पर नियंत्रण कमजोर पड़ता गया और 1985 में उन्हें निमोनिया हो गया और इस कारण उन्हें अपने गले का ऑपरेशन कराना पड़ा और इससे वो अपनी आवाज खो बैठे। ये उनके लिए बहुत गहरे सदमे की तरह था। अब वो अपने नोट्स डिक्टेट नहीं कर सकते थे, ना ही वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे। उनका भविष्य काफी धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन उन्होंने अभी भी हिम्मत न हारी। उन्होंने महसूस किया कि वो हर उस व्यक्ति के बराबर है जिसके जिसके पास ज्ञान और बुद्धि है। उनका जीवन का दर्शन उनके शब्दों से आसानी से समझ में आ जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट डिसेबल्ड चिल्ड्रन शुड बी हेल्प टू ब्लेंड विद अदर्स ऑफ द सेम एज। हाउ कैन वन फील अ मेंबर ऑफ द ह्यूमन रेस इफ वन इज सेट अपार्ट फ्रॉम एन अर्ली एज। इट इज अ फॉर्म ऑफ एपार्टहाइड। उन्होंने ये सिद्ध करने के लिए कि वो भी अन्य व्यक्तियों के बराबर ही हैं, अपने आप को इस प्रकार कार्यों में लीन कर दिया, जिसका परिणाम उन्हें बहुत सुखद मिला। इस समय स्टीफन हॉकिंग्स अपनी आवाज भी खो बैठे थे, इस कारण उन्हें लोगों से बोलने में बहुत परेशानी आ रही थी। और इस उनकी इस परेशानी को देखकर वोल्टोस, जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट थे और कैलिफोर्निया में कार्य करते थे, उन्होंने एक विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जिसको आज हम लोग इक्वलाइजर के नाम से जानते हैं। उन्होंने स्टीफन हॉकिंग्स को कुछ वर्ड सिलेक्ट करने के लिए कहे जो कि कंप्यूटर स्क्रीन्स में थे, और देन केम ए पोर्टेबल कंप्यूटर एंड ए स्पीच सैनिटाइजर, और फिर बाद में पोर्टेबल कंप्यूटर और स्पीच सैनिटाइजर भी उनके लिए निर्मित किया गया, which enabled him to dictate up to 15 words per minute, जिसके कारण वो 15 शब्द पर मिनट बोल पाते थे। वो मौखिक रूप से तो नहीं बोलते थे, लेकिन कंप्यूटर ने उनके विचार उन शब्दों के माध्यम से दिखाई पड़ते थे। This was truly fantastic. ये वास्तव में बहुत चमत्कारी था। One could almost imagine him chucking to himself, "ALS, do thy worst, you can't put me down." और अक्सर वो अपने मन में बुलाते थे, "ALS, यानी कि atrophic lateral sclerosis, तुम जितना भी बुरा कर लो, तुम मेरे उत्साह को गिरा नहीं सकते हो। Stephen Hawking continues to be in the midst of research and study. Participated in seminars and lectures to students. Honors and awards have been justifiably his. The Royal Society elected him a fellow. The Queen made him in 1989 Companion of Honor. Within lies the secret of Hawking's success in the face of heavy odds. His never say die spirit beating all odds. और स्टीफन हॉकिंग की सफलता का राज है कि उनकी कभी हार ना मानने वाली उमंग और उत्साह, जिसने हर बाधाओं को पार कर लिया। इस वीडियो को कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। टिल देन गुड बाय।